सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की विशाल सेना के आगे लगभग सभी देशों ने घुटने टेक दिए थे और हिटलर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करने वाला था, तो यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश था जो हिटलर से लड़ सकता था, पर अब उसके भी हौसले पस्त हो चुके थे। एक ही आदमी था जिसके हाथ में सारे फैसले थे और वो था विंस्टन चर्चिल। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डार्केस्ट आवर्स। 9 मई सन 1940, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर घुसकर इन सभी देशों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उसकी 30 लाख की फौज अब बेल्जियम के बॉर्डर पर खड़ी है, क्योंकि हिटलर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं ब्रिटेन पार्लियामेंट में दिखाया जाता है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम नेविल चैम्बरलिन है, उनके ऊपर से सबका विश्वास उठ चुका है। सबका ये मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जैसी ब्रिटेन की रणनीति होनी चाहिए थी, उस तरह की रणनीति नहीं हुई और अब बहुत जल्द हिटलर यानी कि जर्मनी पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लेगा। नेविल चैम्बरलिन अपना इस्तीफा दे देते हैं और अपने लोगों के साथ मीटिंग में वो बताते हैं कि अब मेरी जगह हैलीफैक्स लेगा, क्योंकि हैलीफैक्स एक काबिल नेता है, साथ ही वो फॉरेन सेक्रेटरी भी है और सब उसे पसंद भी करते हैं। पर हैलीफैक्स साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि इस वक्त जो ब्रिटेन की हालत होती है, ऐसे हालातों में कोई भी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में नहीं लेना चाहता। सब जानते हैं यूरोप को हिटलर से बचाना नामुमकिन है। हिटलर इस वक्त बहुत पावरफुल होता है और अब इन हालातों में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही नाम बचा है और वो नाम होता है विंस्टन चर्चिल। चैम्बरलिन कहते हैं कि विपक्ष भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि चैम्बरलिन के साथ जितने भी लोग होते उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बने, पर किसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चर्चिल को दिखाया जाता है जो शराब पीने के बहुत शौकीन होते हैं, साथ ही साथ वो थोड़े सनकी भी होते हैं। आज उनकी नई सेक्रेटरी जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, वो उनके पास आती है और जब वो स्पीच बोलते हैं तो वो टाइप करना शुरू कर देती है। चर्चिल को एलिजाबेथ के काम से शिकायत होती है। वो कहते हैं कि तुम टाइप करते हुए इतनी आवाज क्यों करती हो, साथ ही साथ तुमने दो वर्ड्स के बीच में डबल स्पेस भी नहीं दिया। दरअसल उन्हें दो वर्ड्स के बीच में डबल स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए वो उसे डांट कर निकाल देते हैं। और जब एलिजाबेथ नीचे पहुंचती है तभी वहां पर एक आदमी मोटरसाइकिल से आता है जो उसे एक शाही लेटर देकर चला जाता है। वो लेटर लेकर उसे चर्चिल के पास जाना पड़ता है। चर्चिल उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है किंग जॉर्ज सिक्स ने उन्हें शाही महल में बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ शाही महल में दिखाया जाता है जहां पर किंग जॉर्ज सिक्स ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलिन से बात कर रहे होते हैं। दरअसल किंग जॉर्ज सिक्स नहीं चाहते कि चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बने। इसकी कई सारी वजह होती है, क्योंकि चर्चिल की रणनीति कभी भी ब्रिटेन के फेवर में नहीं गई। साथ ही किंग जॉर्ज सिक्स के भाई जब एक ऐसी लेडी से शादी कर रहे थे जिससे शाही लोगों का उनके परिवार का अपमान होता, उस वक्त चर्चिल ने उनके भाई को सपोर्ट किया था। पर चैम्बरलिन यहां पर बताते हैं कि हमारी पार्टी में सिर्फ चर्चिल ही एक ऐसा शख्स है जिसे विपक्ष एक्सेप्ट करेगा। अब कुछ देर बाद चर्चिल यहाँ पर आ जाते हैं और किंग जॉर्ज सिक्स उन्हें कहते हैं कि हम आपको यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? चर्चिल खुशी खुशी हाँ कर देता है, क्योंकि वो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था। और अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पार्लियामेंट में चर्चिल की स्पीच होती है जिसमें वो कहता है कि हिटलर एक शैतान है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। मेरे पास अपने देश को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दे सकता हूँ अपना खून, परिश्रम, आंसू और पसीना। हम जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे, जमीन से, आसमान से और पानी से। चर्चिल अपनी स्पीच खत्म कर देता है, पर उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सबके सब जर्मनी के साथ समझौता करना चाहते हैं। चर्चिल की इस आक्रामक स्पीच के बाद पूर्व प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलिन और हैलीफैक्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े दावेदार थे और अभी भी अपनी पार्टी के बहुत बड़े लीडर्स हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि इन्होंने चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाकर बहुत बड़ी गलती की और अब किसी भी तरह से चर्चिल को ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाना चाहते हैं। पर इसके लिए इन्हें लिखित में चर्चिल से ये चाहिए होगा कि वो किसी भी तरह से शांति नहीं चाहते। ऐसा करने से दोनों अपना इस्तीफा दे देंगे और चर्चिल का जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से गिर जाएगा और उसकी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो उससे छिन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चर्चिल को बताया जाता है कि जर्मनी जंग में लगातार जीत हासिल कर रहा है, बेल्जियम और हॉलैंड पर वो कभी भी कब्जा कर सकता है। फ्रांस ने 2 लाख सैनिकों के साथ जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए और ब्रिटेन के 3 लाख सैनिक लगातार पीछे हट रहे हैं। पेरिस तक पहुंचने के लिए जर्मनी का रास्ता साफ है। बहुत जल्द पश्चिमी यूरोप का पतन होने वाला है। यहाँ पर जो बड़े बड़े कमांडर्स होते हैं वो चर्चिल से कहते हैं कि ये बात हमें जनता को बता देनी चाहिए।
चर्चिल कहते हैं कि अभी नहीं, पहले हमें अपने मित्र देशों से बात करनी चाहिए। चर्चिल अपने मित्र देशों से बात भी करते हैं पर कोई भी उनकी बात नहीं मानता, कोई मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई जवाबी हमला करना चाहते हैं। वहीं अब चर्चिल का रेडियो पर लाइव प्रसारण होता है जिसमें वो पूरे देश को बताते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रही है, जर्मनी ने फ्रांस के एक छोटे से हिस्से पर हमला किया है और फ्रांस उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि जर्मनी ने फ्रांस के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया होता है, कई सैनिकों ने उनके आगे घुटने टेक दिए होते हैं। हालांकि अभी भी जर्मनी ने पूरी तरह से फ्रांस को अपने कब्जे में नहीं लिया पर उनके अंदर हिटलर की विशाल फौज का सामना करने की हिम्मत नहीं है। चर्चिल अपने देशवासियों को झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि उनके अंदर का साहस बना रहे पर यूके के महाराज किंग जॉर्ज सिक्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए उन्हें फोन करके कहते हैं कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। वहीं एक और मीटिंग में चर्चिल को पता चलता है कि जर्मन सेना ने ब्रिटिश, बेल्जियन और फ्रेंच डिवीजन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये पूरी सेना फ्रांस के डनकर्क बीच पर फंस चुकी है और इन्हें वहां से निकालना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। चर्चिल पूछते हैं कि हमारी वहां पर कितनी सेना है, उन्हें बताया जाता है कि ब्रिटेन की पूरी सेना डनकर्क बीच पर फंसी हुई है और अगर एक बार वहां पर हिटलर की जर्मन सेना पहुंच गई और ब्रिटेन की सेना को अपने कब्जे में ले लिया तो उसके बाद ब्रिटेन कभी भी इस युद्ध को नहीं जीत सकता और अब किसी भी कीमत पर चर्चिल अपने सभी सैनिकों को वहां से निकालना चाहते हैं। पर यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जर्मन सेना वहां से मात्र 50 मील की दूरी पर है और बहुत जल्द वो डनकर्क बीच पर पहुंच जाएगी। चर्चिल को यहां पर पता चलता है कि उनकी एक और टुकड़ी पश्चिम में 25 मील की दूरी पर है जिसमें 4000 सैनिक हैं। चर्चिल यहां पर प्लान बनाते हैं कि 4000 सैनिकों की टुकड़ी उस तरफ जाएगी जहां पर जर्मन सेना है, वो उनसे मुकाबला करेगी। इससे डनकर्क बीच पर फंसे हुए उनके सभी सैनिकों को थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और इस वक्त में वो अपनी पूरी सेना को निकालने की कोशिश करेंगे पर पिछले प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन और होलीफैक्स ये दोनों के दोनों चर्चिल के खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि हम 4000 सैनिकों का बलिदान नहीं दे सकते। चर्चिल कहते हैं कि वो 4000 सैनिक 300,000 सैनिकों को बचाएंगे और वो अपने फैसले पर अटल हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चैम्बरलेन और होलीफैक्स जो कि चर्चिल के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये दोनों मिलकर जर्मनी के साथ संधि यानी कि शांति समझौता करना चाहते हैं पर चर्चिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 300,000 सैनिकों को डनकर्क बीच से निकाला कैसे जाए। चर्चिल इसके लिए अपने मित्र राष्ट्रों से मदद भी मांगते हैं पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। दरअसल इस वक्त तक पूरे फ्रांस पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था, वहां पर सिर्फ ऐसी दो बंदरगाहें थी जहां पर जर्मनी का कब्जा नहीं था, उनमें से एक डनकर्क थी जहां पर अकेले ब्रिटेन के 300,000 सोल्जर्स फंसे थे और दूसरे देशों के अलग से जो फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी से लड़ रही थी। दरअसल जर्मनी ने अब सबको पीछे खदेड़ दिया था जिसकी वजह से लाखों सोल्जर्स डनकर्क बीच पर फंस गए थे और बहुत जल्द जर्मन की सेना जो यहां से लगभग 50 मील दूर है जो लगातार इनकी तरफ बढ़ रही है, यहीं पर एक दूसरी बंदरगाह होती है जिसका नाम है कैले जहां पर ब्रिटेन के 4000 सोल्जर्स हैं। चर्चिल का प्लान होता है कि वो 4000 सोल्जर्स जर्मनी की सेना का सामना करेंगे ताकि जर्मनी को डनकर्क बीच तक पहुंचने में वक्त लगे और इस वक्त में वो अपनी लाखों की सेना को वहां से निकाल लें। चर्चिल नौसेना अध्यक्ष रैमसी को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि डनकर्क से किसी भी तरह से हमें अपनी सेना को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए हमें सेना की नहीं बल्कि मछुआरों की नाव की जरूरत होगी जिनकी लंबाई 30 मीटर तक हो। रैमसे कहते हैं कि ठीक है, रेडियो से मैं इस न्यूज को पूरे देश तक पहुंचा देता हूं और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन डायनामो, जिसमें लाखों सैनिकों को घर वापस लाना है। पर अभी भी पिछले प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन और होलीफैक्स चर्चिल के खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि हमें इटली की मदद से जर्मनी से बात करनी चाहिए, उनसे समझौता करना चाहिए, शांति पर चर्चा करनी चाहिए, पर चर्चिल इसके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि इटली पर मुझे भरोसा नहीं है, वैसे भी हिटलर हमारे साथ शांति समझौता नहीं करेगा क्योंकि पूरी बाजी अब उसके हाथ में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ इटली और जापान दे रहे थे, इसीलिए चैम्बरलेन और होलीफैक्स इटली की मदद से जर्मनी से यानी कि हिटलर से बात करने की बात कर रहे होते हैं पर चर्चिल इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार देते हैं। होलीफैक्स कहते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटों में तुमने शांति की बात नहीं की तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। चर्चिल उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि अगर होलीफैक्स ने और पिछले प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने अपना इस्तीफा दे दिया तो उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा
हटा दिया जाएगा। चैम्बरलिन और होलीफैक्स ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि डनकर्क पर फंसे हुए उनके लाखों जवान मारे जाएं और जर्मनी उनके घर तक पहुंच जाए। वहीं कैले बंदरगाह पर जहां पर 4,000 सैनिक हैं, वहां पर ब्रिगेडियर निकल्सन को चर्चिल का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी वजह से डनकर्क पर हमारे जितने भी सिपाही वो सब के सब सुरक्षित है, पर हमें खेद है कि हम आपको वहां से कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। यानी इन्हें जर्मनी से लड़ते हुए अपने देश के लिए अपनी जान देनी होगी। लेकिन डनकर्क से लाखों सिपाहियों को निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि जर्मनी उनके ऊपर हवाई हमला भी कर सकती है। वहीं अब ब्रिटेन को जर्मनी का एक खुफिया रिकॉर्डेड टेप भेजा जाता है जिसमें जर्मनी की पूरी रणनीति होती है और उस रणनीति के तहत जर्मनी हवाई हमला नहीं करेगी। उनके पास 200 मोटर बोट्स हैं और हर एक मोटर बोट में 100 सैनिकों को भेजा जा सकता है और समंदर से वो चारों तरफ से ब्रिटेन की सेना पर और जो दूसरी सेनाएं डनकर्क पर फंसी हुई है उन पर हमला करेंगी। यानी कि वहां से बच निकलना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ब्रिटेन की इस जंग में पूरी तरह से हार है। वहीं बेल्जियम ने हार मान ली होती है और आज ही रात को वो जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण करेगा और बहुत जल्दी पूरा फ्रांस भी ऐसा ही करने वाला है। चर्चिल अब पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं है और उनके पास अब जर्मनी के साथ संधि करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए वो इस बात पर मान जाते हैं कि वो जर्मनी की शर्तों को सुनना चाहेंगे। चर्चिल वापस अपने घर आ जाते हैं और अपनी टाइपिस्ट से एक लेटर टाइप करवाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं जर्मनी के साथ शांति पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। पर तभी वो न्यूज़पेपर में हिटलर की फोटो देखते हैं जिससे वो गुस्से से भर जाते हैं और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो टाइपिस्ट होती है उसकी डेस्क पर एक फोटो होती है। चर्चिल पूछते हैं कि कौन है। वो बताती है कि मेरा भाई है जो डनकर्क बीच की तरफ भाग रहा था पर वो कभी भी डनकर्क नहीं पहुंच पाया। ये दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हिटलर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना है। पर चर्चिल चाहकर भी अब युद्ध आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके समर्थन में कोई भी नहीं होता। पर उसी रात को किंग जॉर्ज सिक्स चर्चिल से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सब के सब डरे हुए थे पर सबसे ज्यादा डरा था हिटलर, और जो आदमी हिटलर के दिल में डर पैदा कर सकता है उसे मेरा पूरा समर्थन है। तुम युद्ध को जारी रख सकते हो लेकिन इससे पहले तुम्हें लोगों के बीच में जाना होगा, तुम्हें जानना होगा कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर चर्चिल को नौसेना अध्यक्ष रैम से ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था जिसका नाम ऑपरेशन डायनामो है उसके लिए 860 नावें तैयार हो गई हैं और ये इतिहास का सबसे बड़ा नावों का बेड़ा है जो डनकर्क में अपने लाखों फंसे हुए सिपाहियों को बचाने के लिए निकलने की परमिशन चाहता है। चर्चिल परमिशन दे देते हैं। अब अगले दिन चर्चिल पार्लियामेंट के लिए निकलते हैं जहां पर उन्हें जर्मनी के साथ शांति पर बातचीत करने के लिए स्पीच देनी है। पर इससे पहले कि वो पार्लियामेंट पहुंचते वो अपनी गाड़ी से उतरकर एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं जहां पर आम लोग होते हैं। वो उनसे जर्मनी के साथ समझौते के ऊपर बातचीत करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि अगर जर्मन सैनिक यहां पर आ गए तो आप लोग क्या करोगे। सब कहते हैं कि हम आखिरी दम तक उनसे लड़ेंगे पर कभी भी उनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और अब चर्चिल जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं जहां पर वो सबको कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम हवा में, पानी में, जमीन में, पहाड़ियों पर, गली कूचों में लड़ेंगे, पर किसी भी कीमत पर हम अपने पार्लियामेंट में हिटलर का झंडा नहीं फहराने देंगे और जनता भी यही चाहती है। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके अंदर जोश भर जाता है। वो सब के सब चर्चिल को सपोर्ट करते हैं और इतने बड़े सपोर्ट के बाद चैम्बरलिन और होलीफैक्स की कोई भी नहीं सुनेगा। अंत में हमें बताया जाता है कि डनकर्क से 300,000 सोल्जर्स को वापस घर लाया गया। नेविल चैम्बरलिन जो कि बीमार थे 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। चर्चिल ने होलीफैक्स को वॉर कैबिनेट से हटा दिया और वॉशिंगटन भेज दिया। और इस फैसले के ठीक 5 साल बाद 8 मई को ब्रिटेन और उसके साथी देशों ने जीत घोषित कर दी। और इस तरह से 8 मई सन 1945 का मंगलवार का दिन इस पूरी दुनिया के लिए एक इतिहास बन गया। अंत में हमें विंस्टन चर्चिल का एक कोट, एक विचार बताया जाता है जिसमें वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कि कामयाबी अंत नहीं है, असफलता घातक नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज काउंट होती है और वो होता है करेज, यानी कि इंसान का साहस। तो ये था विंस्टन चर्चिल का वो फैसला जिसने हिटलर का तख्ता पलटने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये मूवी ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। इस मूवी का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $151 मिलियन की।
उम्मीद करते हैं कि इतिहास की सच्ची घटना आपको पसंद आई होगी।